हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, जिस चीज़ की भी आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी वगैरह, एसएससी एमटीएस 2020 चल रहा है, उसका टीयर टू का रिजल्ट अभी आया था, फिर उसके मार्क्स रिलीज हुए हैं। तो मैंने भी एसएससी एमटीएस का जो 2020 है वो दिया था, अपना रिजल्ट शो कर दूंगा बगल में। अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया, टीयर टू का रिजल्ट आया। टीयर वन में मेरे मार्क्स 87 पॉइंट समथिंग, अप्रॉक्स 88 के आसपास थे, और टीयर टू में मेरे 39 मार्क्स आए हैं, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, इसके मार्क्स जुड़ते नहीं हैं। इसके बाद इसमें कुछ होता नहीं है। टीयर टू के बाद अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद फाइनल जो है वो उसका रिजल्ट रिलीज होता है। तो मुझे 88 मार्क्स में कुछ ना कुछ डेफिनेटली मिल जाएगा, मतलब कोई ना कोई पोस्ट किसी ना किसी डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। लेकिन इसके DV में मैं अपियर नहीं होने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पहले से मिला हुआ है उससे ऊपर का। और मेरी ये अपील है आप लोगों से, ठीक है, जो भी अगर कोई लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं जो कि सिलेक्टेड हैं किसी ऑलरेडी हायर ग्रेड पे वाली पोस्ट पे, वो लोअर ग्रेड पे वाली पोस्ट पे ना जाएं उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, सिर्फ ये सोचकर वो अगर जॉब ले लेते हैं कि मेरे पास, बताने के लिए हो जाएगा कि मेरे पास 3 जॉब्स हैं, 4 जॉब्स हैं। ठीक है, तो ये सोच के साथ आप नहीं जाएँ जिससे कि किसी ज़रूरतमंद को जॉब मिल जाए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एमटीएस 2020 में सिर्फ 4,000, उससे भी कम जो वैकेंसीज है वो आई हैं। अगर आप जाते हैं तो एक सीट वेस्ट होगी और किसी ज़रूरतमंद जिसको सीट मिलनी चाहिए उसको नहीं मिलेगी। तो आप किसी एक का लाइफ बना सकते हैं, उसको जॉब दिला सकते हैं, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं जाते हैं। ठीक है, और पहले ही काफ़ी सारे कैंपेन्स चलते रहते हैं इसके लिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपीयर नहीं है, सब आपको मालूम होगा। ठीक है, तो मैं भी एमटीएस 2020 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपीयर तो नहीं होऊंगा, और मार्क्स मेरे लेकिन सफिशियंट हैं कि मुझे कुछ पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो यही मैंने एमटीएस का अपना जो रिज़ल्ट है वो दिखाना था, शो करना था, और अपील करनी थी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना जाएं अगर आप पहले से सिलेक्टेड हैं किसी हायर ग्रेड पे वाली पोस्ट पर। ठीक है, तो आप सभी को वॉर्म विशेस, और आप सभी को मैं ये विश करता हूँ कि आप सभी की जल्दी जॉब्स लगेगी, सिलेक्शन होगा एसएससी में किसी ना किसी पोस्ट पर। ठीक है, आज CGL का भी Tier 2 हुआ था एग्ज़ाम, तो आप बताइएगा कैसा कैसा आपका CGL का Tier 2 एग्ज़ाम रहा, और कितने कितने अटेम्प्ट्स के। मैथ्स का पेपर काफ़ी इजी आया था, इंग्लिश का भी पेपर जो था वो ठीक ठाक था, मतलब इजी आता है इंग्लिश का हर साल, तो इस बार भी इजी था। ठीक है, तो हो सकता है कट ऑफ ज़्यादा जाए, और Tier 3 का 21 को है, तो प्रिपरेशन आप करते रहिएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।